8 बजे का टाइम होता है फिक्स टाइम, तो उससे पहले बंद कर दिया, और हमारे बाद में जो टीचर होते हैं तो उनको पहले क्यों एंट्री दी थी। ग्रामीण क्षेत्र से अजमेर के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए ग्रामीणों ने स्कूल में प्रवेश नहीं देने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। रामनगर स्थित क्वीन मेरी बॉयज स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि परीक्षा नियम के अनुसार वे 1 घंटा पहले पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रशासन द्वारा मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया गया और उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ परीक्षार्थियों ने प्रिंसिपल से शिकायत करने का नाम लिया तो उन्हें पीछे के गेट से प्रवेश दे दिया गया। इस पर उपस्थित परीक्षार्थियों ने कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा की गई इस तरह की कार्यवाही के कारण वे बहुत दुखी हैं और इसकी शिकायत वे प्रशासन से करेंगे। हमें 7:59 पे आ गई थी, फिर भी गेट पहले बंद कर दिया, ताकि 8 बजे का टाइम होता है फिक्स टाइम, तो उससे पहले बंद कर दिया, और हमारे बाद में जो टीचर होते हैं तो उनको पहले क्यों एंट्री दी थी। अगर स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए समान नियम लागू होने चाहिए तो उनको, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ, हमारे साथ न्याय होनी चाहिए। सिटी के पास गांव में से आए तो जो क्यून मेरी सीनियर सेकेंडरी रामनगर की स्कूल है, तो हम यहाँ 7:57 पे आ गई थे गेट के पास, तो मैडम ने पहले से ही, जो हम गेट के पास पहुँचे उस टाइम मैडम ने लॉक लगा दिया, और हम टाइम से 3 मिनट पहले आ गए थे। अगर एग्जामिनेशन से पहले 1 घंटा पहले मतलब लॉक लगाना होता तो फिर भी 8 बजे का टाइम होता, तो हम 2 मिनट पहले आ गए और हमें गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। और जो किसी मैडम के मिलने वाले थे तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल को कॉल करूंगा, तो उन्होंने पीछे वाले गेट से एंट्री दी और हमें एंट्री नहीं दी। और उसके बाद मैंने पुलिस कंट्रोल रूम, जिला कलेक्टर के वहाँ भी कॉल किया और एग्जामिनर कंट्रोल रूम के वहाँ भी कॉल किया, तो कह रहे आपने अब 8:30 बजे कॉल किया। मैंने कहा नंबर लेते लेते इतना टाइम हो गया, आप मतलब इनको मैडम को फ़ोन करिए, अगर कलेक्टर साहब एग्जामिनर जो कंट्रोल रूम है वहाँ से अगर इनको कॉल करते तो हम आज एग्जाम देते और इनकी वजह से हमारा एग्जाम रह गया। हाँ बिल्कुल करूँगी, मैं इनके खिलाफ पुलिस थाने में वो केस दर्ज करवाऊंगी, अगर मुझे कोर्ट जाना होगा तो कोर्ट भी जाऊँगी मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। 15 जने जो 15 लोग तो मतलब यही भी है जो हमारा एग्जाम नहीं लग गया और 15 लोग तो चले गए कि अब एंट्री नहीं होगी, तो वो लोग चले गए यहाँ से। ये सेट 12th लेवल का जो एग्जाम था। ये डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म विद कर्म, अग्निकर्म और मर्म, चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज, हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्य वस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277788। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा, जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइफ कंसल लेकर आया है आपके लिए, नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज, 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध, साथ ही 2000 रूपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। 9929091952।